Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will discuss a new topic, mensuration for class 8, exercise 11.1, question number 5. बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से रीड करके समझाता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग इनको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड. एक जो है एक तरह का समझ लो एक फ्लोर है, और एक फ्लोर पे जो है यहाँ पे स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे क्या है कि फूड जो होते हैं ना, चिटियाँ खाती है फूड, तो चिटियाँ जो है फूड जो खाती है वो फूड जो है ना एक फ्लोर पे बिखरा हुआ है, ठीक है. तो ये बिखरा हुआ है और वो किस तरह से है, इस तरह से बिखरा हुआ है, इन शेप का है, कुछ इस शेप का है, कुछ इन शेप का है, फूड बिखरा हुआ है. तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हिच फूड पीसेस वुड द एंट हैव टेक अ लॉन्गर राउंड. अब क्या होगा कि चिटियाँ क्या करेगी, यहाँ पे ये फूड खाने के लिए आएगी. तो इसमें क्या होता है, चिटियाँ को वो जानते हो इनके प्रॉपर्टी ही होती है कि पहले वो राउंड लगाना स्टार्ट करती है. तो क्या करेगा, यहाँ से राउंड लगाएगी, यहाँ से राउंड लगाते यहाँ आया. उसी तरह इसमें भी एक राउंड लगाएगा वो. मान लीजिए एक राउंड का हम बात करते हैं, इसमें एक राउंड लगाया, इसमें यहाँ से गया तो फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आता है, फिर इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आता है. तो पूछा जा रहा है कि किसमें ज़्यादा, एक राउंड कंप्लीट करने में एक राउंड लगाए चाहे दो राउंड लगाए, तो किसमें, जैसे सपोज करो वन राउंड लगाता है तो किसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है, उनके द्वारा कवर किया गया. मतलब यह क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे फॉर व्हिच फूड पीसेस शुड द एंट हैव टेक अ लॉन्गर राउंड. सबसे बड़ा लंबा जो है राउंड किस में लगेगी. तो जिन जिन जो है सो पार्ट का पेरीमीटर ज़्यादा होगा वहीं पे ज़्यादा राउंड लगेंगे. ऑब्वियस है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री. तो मैं क्या करूँगा, ये तीनों फिगर का क्या करेंगे कि पेरीमीटर निकालेंगे, और जिनका पेरीमीटर लार्जर होगा उनका राउंड, उनका ज़्यादा मतलब समय लगेगा और लॉन्गर राउंड हो जाएगा. क्यों कि अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ, फिर इनका पेरीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, और इनका भी यहाँ से यहाँ. तो उस तीनों का मैं पेरीमीटर निकाल के बताता हूँ, और पेरीमीटर के बेसिस पे हम कंपेयर कर पाएंगे, ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चे. अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मतलब मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. जो बाउंड्री होती है ना उनके सम को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, ठीक है बच्चे. तो चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ. तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं. सबसे पहले ना हम फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर सेकेंड का करेंगे, फिर थर्ड का, और फिर कंपेयर कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ए में. अब बच्चे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में 2.8 जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ए का. देखिए यहाँ पे ये जो एक सर्कल है, और ये सर्कल जो है हाफ सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल का क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर. और जो 2.8 सेंटीमीटर हुआ इसका मतलब ये डी हो गया 2.8 सेंटीमीटर. डी मतलब डायमीटर, ठीक है. तो डायमीटर आपका 2.8 होगा क्योंकि सेंटर तो यहीं पर होगा. सेंटर को आप सी भी लिख सकते हैं, तो सेंटर तो सी है आपका यहाँ. और बच्चे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका 1.4 हो जाएगा, ठीक है, यानी रेडियस हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रेडियस इक्वल टू डी बाय टू. इसका मतलब 2.48 बाय टू मीन्स 1.4 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो गया, 1.4 सेंटीमीटर. उसी तरह से ये भी रेडियस है आपका, ये भी रेडियस है, ठीक है बच्चे. तो हमें इसके ये आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस 1.4, ये भी हो गया तो 1.4, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है. अब हमें क्या करना है कि इनका जो है पेरीमीटर निकालना. तो पहले मैं क्या करूँगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और ये हाफ सर्कल है. तो मैं क्या करूँगा, हाफ सर्कल का पेरीमीटर निकालूँगा. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पेरीमीटर आ जाएगा. तो मैं लिखूँगा वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इजकल टू 2πr. देखो यहाँ पर दिया हुई है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इजकल टू 2πr, ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी इजकल टू क्या, 2πr, ठीक है बच्चे. तो ये पेरीमीटर हो गया पूरी सर्कल का. तो पेरीमीटर ऑफ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसी फॉर्मूला के यूज करके, तो अब ये क्वेश्चन पे, तो पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल
हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का निकालूंगा। तो सेमी सर्कल क्या होगा, 2πr अब बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यानी मीन्स पाई आर हो गया, ठीक है बच्चे। तो पाई आर आपका हो गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो है इसकी पूरी जो है पेरीमीटर निकालूंगा फिगर ए का। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, ए का जो फिगर होगा वो टोटल पेरीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, देखो बच्चे ये जो है आपका पाई आर हो गया। तो पाई आर क्योंकि हाफ पेरीमीटर होगा, अब प्लस ये देखो पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स पूरी बाउंड्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, अब ये भी तो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे। तो ये बाउंड्री क्या है, डायमीटर है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी डायमीटर को मैंने लिख दिया यहाँ पर, डी को ऐड करूँगा। तो पाई आर का पाई इजकल टू 22/7 और आर कितना हो गया रेडियस, रेडियस आप निकाले हैं यहाँ पे 1.4 आप प्लस, ठीक है। मैं डी डायमीटर कितना है 2.8। अब मैं इसको पॉइंट को यहाँ हटा करके यहाँ 10 कर रहा हूँ, 7 × 2 = 14। तो आपका हो गया यहाँ पे 44/10 अब प्लस 2.8 मीन्स 4.4 अब प्लस 2.8। तो बच्चे कितने हो गए, 8 × 4 = 12 × 4 = 7, ठीक है आपका 7.2 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चे इनके जो जो पूरा जो बाउंड्री का जो पेरीमीटर आया है, इनका आया है पेरीमीटर पूरी बाउंड्री का, वो 7.2 सेंटीमीटर, ओके ये 7.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, फिगर बी का हम निकाल कर देखते हैं कि इसका ये बाउंड्री है वो कितने मीटर का है जो पूरी एक राउंड लगाएगा, ठीक है। तो ये तो 7.2 सेंटीमीटर आ गया। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, बी का मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। बी क्या करे बच्चे, मैं यहां पर बी बनाकर दिखा रहा हूं बी का। ठीक है ये देखो ये बी पार्ट है, इनका बाउंड्री निकालनी है। तो इनका पूरा बाउंड्री क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के चिटियाँ इस तरह से मूव फिर यहाँ से और यहाँ, यही तो बाउंड्री है। तो अब ये बताइए 2.8 है तो ये भी क्या होगा 2.8 सेंटीमीटर, 1.5 है तो ये भी होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन बाउंड्री का लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो इन बाउंड्री का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालूंगा। तो पाई आर होता है, 2πr का हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई लिखूंगा, पाई के इज इक्वल टू 22/7 और रेडियस, बच्चे रेडियस जो है इनका ये देखो यहाँ से यहाँ डायमीटर है तो रेडियस तो आप इनका हाफ ही होगा ना यहाँ से, तो कितना लिखूंगा मैं 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो है आर इजकल टू डी बाय 2 और 2.8/2 तो मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 1.4 सेंटीमीटर पुट करूँगा। अब इसको 10 दे दीजिए पॉइंट हटा के, 7 × 2 = तो आपका क्या हो गया 4 × 4 = 10 मीन्स क्या हुआ 4.4 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूँगा इसका टोटल पेरीमीटर, तो टोटल जो है पेरीमीटर ऑफ फिगर बी, इस फिगर बी का निकालूंगा। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, फिगर बी का पेरीमीटर निकालूंगा। तो ये जो आपका पेरीमीटर ये सर्कल का आ गया सेमी सर्कल का, तो मैं लिखूंगा 4.4 सेंटीमीटर अब प्लस। अब देखिए ये वाला भी तो है बाउंड्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका बाउंड्री का लेंथ निकाल लिया, फिर ये वाला मैं निकालूंगा तो ये वाला क्या होगा 1.5 प्लस ये वाला बाउंड्री कितना है बच्चे 2.8 प्लस ये वाला बाउंड्री कितना है 1.5, तो ये 1.5 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सबको एक साथ ऐड करिए पहले, तो
तो देखो 4.4 प्लस डेढ़ और डेढ़ कितना हो जाएगा 3, और 3.0 अब प्लस 2.8। अब मैं एक जगह ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो बच्चों यहीं पर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 4.4 और 3 उसके बाद 2.8, तो 8 और 4 कितना होगा 12, और 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया। तो बच्चे मैं यहाँ लिखूँगा 10.2 सेंटीमीटर। तो जो फी बी है इनका पेरीमीटर क्या हो गया, पी इजकल टू 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, पी इजकल टू 10.2 सेंटीमीटर। अब मैं नेक्स्ट फिगर किसका, फिगर नंबर आपका सी का मैं पेरीमीटर निकाल कर दिखाता हूँ। बहुत इजी है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप काम करनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट सी, पार्ट सी पे हम बात करते हैं। तो मैं एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ पार्ट सी के लिए। बच्चे ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये गिवन है, और ये भी आपका है 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। और ये जो हाफ सर्कल देख रहे हैं ना, सेमी सर्कल, इनका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पता है आपको 2.8 सेंटीमीटर। ये इसीलिए दिया हुआ है, इससे पता चल जाता है आपको कि ये इनका डायमीटर है, ये इनका क्या है डायमीटर है। तो आपका मतलब समझ लीजिए कि जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर इस सर्कल का। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा बच्चे, डी बाय टू, मीन्स क्या होगा 2.8 बाय 2, मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर निकालूंगा सेमी सर्कल का। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालूंगा, तो क्या होता है पाई आर होता है, 2πr/2 करेंगे तो पाई आर आ जाएगा। तो पाई आर क्या होगा, पाई 22/7 इंटू आर 1.4, ये पॉइंट हटा दीजिए 10, 7 2 जा तो कितना होगा 4/4/10, मीन्स 4.4 सेंटीमीटर। ये तो आपका लेंथ हुआ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लेकिन ये चिटिया तो पूरा राउंड लगाएगी भाई, ये फूड का टुकड़ा है, तो क्या होगा यहाँ से मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ तो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर किसका, सी, सी वाले फिगर का टोटल पेरीमीटर निकालूंगा, यानी बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री कितना हो जाएगा बच्चे, देखो ये आपको 4.4 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2, अब प्लस ये भी 2, तो कितना हो गया 2 2 4 4 4 8 8.4 सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर है इनका जो बाउंड्री आ गया आपका कितना 8.4 सेंटीमीटर। नाउ इट्स कमिंग टू ए बी एंड सी पार्ट एंड कंपेयर। ठीक है, मैं अब तीनों पार्ट को मैं लिखता हूँ और फिर कंपेयर करके बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप देखिए यहाँ पे एक का जो बाउंड्री है, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पहले समझिए। अब फॉर व्हिच फूड पीस वुड द एंड हैव लॉन्गर राउंड। ठीक है, तो फिगर ए में जो राउंड लगाएगा, लेंथ ऑफ द राउंड, राउंड जो है राउंड का लेंथ होगा, फिगर ए का अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री किसका, ए, ए का जो बाउंड्री होगा मीन्स पी हो गया, पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चे 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से लेंथ ऑफ द बाउंड्री किसका बाउंड्री, बी, बी जो फिगर है, ये फिगर है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फिगर लिख रहा हूँ, ये भी फिगर है, फिगर बी का जो है बाउंड्री है, इनका भी पेरीमीटर है ये, तो पेरीमीटर कितना निकला 10.2 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, फिगर कौन सा, फिगर सी, इनका पेरीमीटर क्या निकला, तो पेरीमीटर निकला 8.4 सेंटीमीटर।
तो अगर हम इसको पी वन बोल दे, इसको इसको मैं बोल देता हूँ पी ए, पी बी और पी सी, तो क्या हो रहा है बच्चे, पी वी ग्रेटर है किससे, पी सी से, पी सी, और ये ग्रेटर हो गया पी ए से। तो अगर हम बात करें कि तीनों में जो पेरीमीटर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेरीमीटर किसका है, इसका ये मैक्सिमम, और ये क्या हो गया मिनिमम। तो जिनके पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है इसका मतलब उनका बाउंड्री सबसे ज़्यादा होगा, तो इनका जो बी का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है इसका मतलब चिटिया का जो है, चिट्टी जो राउंड लगाएगी तो लॉन्गर राउंड किनका होगा, आंसर आपका बी। तो कह रहा है लॉन्गर राउंड किसका होगा, तो योर आंसर इज बी, बी वाला पार्ट का जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनका जो है, यानी आपको दिखने से भी लग रहा है, देखिए यहाँ से ये लंबा, काफ़ी लंबी राउंड लगाएगी चिटिया इस फूड के राउंडेड साइड में, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चे ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका फिफ्थ जो है कंप्लीट हुआ। नाउ इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 11.2। ओके।